नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सावन का पवित्र माह चल रहा है। जगह जगह शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्हें भक्त खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में भगवान शिव का अद्भुत गुफा वाला चमत्कारी मंदिर है, जहां सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जिले के मुख्यालय स्थित राधा नगर में विश्व का पहला रुद्राक्ष शिवलिंग मंदिर बेहद ही अनूठा है। कहा जाता है कि 5 लाख रुद्राक्ष से बने इस शिवलिंग पर एक बार रुद्राभिषेक करने से 4 लखराव करने का फल मिलता है। उसके अलावा यहां श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को प्रातः 8 बजे से भगवान शिव की मुख्य आकृति में 20 फुट ऊंचे 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक स्वयं आचार्य द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है, यहाँ तक कि दान के रूप में पैसे भी नहीं चढ़ाए जाते। वहीं सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों का तांता देखने को मिला। शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर भक्तों ने प्रार्थना की, साथ ही मन्नतें भी मांगी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शिवालय गुंजायमान रहा। ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ और रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। वहीं मंदिर के संस्थापक एवं आचार्य डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस बार का सावन अद्वितीय सावन है, जो 70 वर्ष के बाद आया है। इसमें 5 सोमवार हैं। इसका आरंभ सोमवार से है और अंत भी सोमवार को है, उसी दिन रक्षाबंधन भी है। इस श्रावण मास के अंतर्गत अद्वितीय अकल्पनीय योग बन रहे हैं। हर राशि के अलग अलग योग और संयोग हैं। 1.25 लाख हम लोग जो है सो लखराव बना करके माटी का पूजा करते हैं, तो उसको लक्ष्य पूजा कहते हैं, लखराव। तो 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित जो शिवलिंग है, रुद्राक्ष भगवान शिव का आंसू नेत्र है या साक्षात शिव है, इसको प्रतिष्ठा देने की जरूरत नहीं है। इस पर एक बार रुद्राभिषेक करने से 4 लखराव का फल मिलता है। हर सोमवार को प्रातः 8 बजे मैं जो है, जितने भी भक्त आते हैं, जो बेचारे असहाय असहयोग, जिनको जो है सो मतलब कॉमर्शलाइजेशन से हटकर जो नहीं करा पाते हैं, मैं सबको निःशुल्क अपने जो है सो, चूँकि मैं कंठस्थ, मुझे खष्टांग रुद्री याद है, और मैं सबको रुद्राभिषेक 8 बजे सुबह हर सोमवार को श्रावण मास में कराता हूँ। क्या विशेषता है? 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इस पर एक बार रुद्राभिषेक करने का मतलब 4 लखराओं का फल है। इस यह वटवृक्ष के नीचे, अभी ब्रह्म पुराण में मैंने देखा है, वटवृक्ष के नीचे स्थापित यह भारत का पहला शिवलिंग है, जो भगवान की शिवामुखीर्ति आकृति में है। और वटवृक्ष जो है, यह हमारा सैकड़ों वर्ष पुराना है, जिसमें जटा आ गई है। तो काल सर्प योग का जो नासिक में पूजा होता है, उससे बेहतर इस पर पूजा है, क्योंकि वटवृक्ष के नीचे कोई शिवलिंग नहीं है। ब्रह्म पुराण इस बात को कहता है। तो इस पर लोग चांदी का नाग चढ़ाकर
सोमवार या प्रदोष के दिन जो है सो पूजा करेंगे तो उस नाग काल्प सर्पयोग उनके जीवन से समाप्त हो जाएगा और उस नाग को उठा के ले जाके काशी गंगा जी में, चूँकि कैलाश से ऊपर काशी मानी गई है तो उसमें वो प्रभावित कर देंगे। क्योंकि शिवलिंग और भी कहीं है ना? नहीं है, यह पहला शिवलिंग है जो गोल्ड प्लेटेड है, शिवा मुखाकृति का है और 500,000 रुद्राक्ष से निर्मित है, इसका अद्वितीय संयोग है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जाहिर है सावन माह में शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के शिव की पूजा आराधना करते हैं। कोई व्रत रखता है तो कोई कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ता है। शिव कृपा पाने का सबसे आसान तरीका शिवलिंग पर जलाभिषेक करना माना जाता है। जलाभिषेक के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि भक्त भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, जिसके चलते मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।